नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 इतिहास विषय में जो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे संबंधित। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे के निशान को जरूर दबाएँ ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जॉर्ज स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था को कैसी अवस्था कहा था। तो जॉर्ज स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था को तूफानी एवं तनावपूर्ण अवस्था कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेक्षण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है। तो दोस्तों, इसका चारों ही ऑप्शन गलत थे, इसलिए आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो समस्या समाधान अधिगम ही अध्ययन का उच्चतम स्तर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक मूल्य का विकास कहा जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकरण तथा पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं। तो अभियोग्यता कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है। तो संवेगों पर नियंत्रण रखना ही अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा तार्किक चिंतन और अमूर्त चिंतन निर्णय शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, संगी साथियों का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, यानी संवेगात्मक बुद्धि। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार बच्चों को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। तो सही उत्तर होगा परिवार से हमें अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेपी गिलफ्रोड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता रचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी गलत था, इसलिए आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन के बजाय। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घकालीन स्मृति बहुत हद तक सहायक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएटी किस प्रकार का उपकरण है। तो ये स्थितिपेक्षी उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया था, इसका अर्थ क्या है। बाह्य प्रेरणा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा अधिगम निर्भर करता है। तो दोस्तों, इसके चारों ही ऑप्शन सही हैं, शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW से क्या तात्पर्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रक्षेपण का मुख्य रुकावट होती है व्यक्ति का। सही उत्तर होगा 4 नंबर, कटुबद्ध करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, उनसे नरमी व दृढ़ता के साथ व्यवहार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। तो सही उत्तर होगा 2 नंबर, इदम अहम अतिहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो इसके चारों ही ऑप्शन गलत थे, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आरपीसी ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला अधिगम संबंधित होता है, तो श्रृंखला अधिगम है ये गेने के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म संप्रेक्षण को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार नंबर, अंतः व्यक्तिक संप्रेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पद का क्या तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर होगा डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा तीन नंबर, ये प्रसिद्ध कथन जीन प्याजे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार नंबर, यानी सामाजिक आयु। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो सही उत्तर होगा जीन प्याजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची, आगे चलकर वह लाल पोषक या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा, ये उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक नंबर, उद्दीपन सामान्यीकरण। और लास्ट क्वेश्चन है, प्याजे द्वारा प्रयुक्त नहीं किया गया नाम खोज है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार नंबर, उदात्तीकरण। तो दोस्तों, इतिहास के अंदर 2014 के अंदर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने इस वीडियो के अंदर साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।